हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 में जितने भी छात्र सम्मिलित होने जा रहे हैं दोस्तों, उनको बहुत बड़ी अपडेट यहां पर देने वाला हूं। इसके साथ साथ बीएड प्रवेश परीक्षा तिथि में परिवर्तन को लेकर जो भी संभावनाएँ हैं, जो भी जानकारी निकल के आ रही है, वो आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर तो देख लिया होगा दोस्तों, बीएड में कम अंक लाने पर नहीं मिलेगा एडमिशन। इसके पीछे क्या रीजन है, अभी मैं आपको पूरी जानकारी विद प्रूफ देने वाला हूं। उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, जो भी आपके पास समय बचा है पूरा जी जान लगा दो, सही चीज को पढ़ो। देखो, जी जान लगाने के लिए तो सब बैठे हैं, जिन्होंने फॉर्म डाला है, पैसा लगाया है, वो सब लास्ट टाइम पे पढ़ रहे होंगे, और अपने हिम्मत से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। जिनके पास 2 घंटा है वो भी किसी तरीके से निकाल के 4 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है लास्ट टाइम में, लेकिन मेहनत सब करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन जिनको नहीं मिलता है उनका मेहनत व्यर्थ होता है, कोई लाभ नहीं मिलता है, और वो मेहनत भी बहुत करते हैं, बाद में उन्हें निराशा हाथ लगती है। सही दिशा में अगर आप मेहनत करोगे तो कम समय में भी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी और आपको सफलता भी मिल जाएगी। और अगर आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, भले आप 2 नहीं 5 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि आप गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, गलत चीज़ों को पढ़ रहे हो जो आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट है ही नहीं, जो एग्ज़ाम में आपका आने वाला ही नहीं है, उन पर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए दोस्तों, लास्ट टाइम में आपको सही चीज़ों का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है, सही चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक एक दिन, एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी है बचाना और सही जगह पे पढ़ना। तो हमारे द्वारा दोस्तों बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार किया गया, पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा होता है, पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है, इन सब का विशेष ध्यान रखते हुए दोस्तों इस नोट्स को तैयार किया गया है। लास्ट टाइम में ये पढ़ना बहुत फायदेमंद है दोस्तों। जिन्होंने तैयारी किया है, रिवीजन के लिए कोई नोट्स नहीं बना रखा है, रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट नोट्स होने वाला है। किताब से या रिवीजन नहीं हो सकता, क्लास से रिवीजन नहीं हो सकता, टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो हमारे द्वारा ये नोट्स तैयार किया, जिन्होंने कुछ भी पढ़ा नहीं है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बहुत कम समय में अच्छी तैयारी इस नोट से हो जाएगी, और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है लेकिन रिवीजन नहीं हुआ है, उनका तो ये नोट्स भैया बहुत ही अच्छी तैयारी करा देगा, तैयारी में बूस्ट कर देगा और अच्छे अंक प्राप्त करने में बहुत हेल्प करेगा। और इस नोट्स की कीमत भी बहुत कम है, मात्र 175 रुपीज, ताकि हर वर्ग का बच्चा इसको खरीद सके। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे। आपको जिस भी स्टेट का चाहिए लिख दीजिएगा मैसेज में कि सर बिहार का चाहिए या यूपी का चाहिए, आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे मात्र 175 रुपीज में। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएगा, जो पूछा जाने वाला है इस बार वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वो भी ऐसे वैसे पेपर नहीं, डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो इस नोट्स को लेने के बाद में आपको कोई भी किताब या क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दावे के साथ कहता हूं। अगर आपके पास 2 घंटे 1 घंटा भी समय मिलता है पढ़ाई के लिए तो ये नोट्स सफिशिएंट है तैयारी करने के लिए। इस नोट्स के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस नोट को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं खबर। दोस्तों यहाँ पर मैंने जैसा कि आप सभी को बताता आया था कि बिहार में इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन होने वाला है। रीज़न भी आपको मैंने बताया था कि पिछले 2023 से बिहार में जूनियर की, प्राइमरी की लगातार वेकेंसी धड़ाधड़ आई है, और TRE 1 TRE 2 TRE 3 लगातार वैकेंसीज आई है। इसके चलते बिहार में बीएड को लेकर क्रेज बढ़ गया है। हालांकि यूपी में क्रेज घटा था, यूपी में जहाँ तक पिछले बार 5 लाख 4 लाख आवेदन हुए थे, वहीं इस बार घटकर 2-2.5 लाख ही आवेदन हुए हैं। रीज़न ये है कि यूपी में वैकेंसी नहीं आई, और बिहार में देखिएगा कि इस बार पिछले 4 साल से अधिक आवेदन आए हैं। अब रीज़न यही है कि वैकेंसी आई है, तो बच्चे जान चाह रहे हैं कि हमारी स्टेट में वैकेंसी आ रही है, हम बीएड कर लेंगे, फटाक से हमारी नौकरी लग जाएगी। और बिहार में बहुत फास्ट काम भी किया जा रहा है आयोग की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से, और जल्दी से वैकेंसी लाते हैं और जल्दी से परीक्षा भी कराकर नियुक्ति भी देते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट बन गया है बच्चों का बिहार में बीएड को लेकर। तो इस बार दोस्तों बिहार में जो है वो बीएड में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुआ है, पिछले 4 वर्षों से सबसे अधिक आवेदन इस वर्ष देखने को मिला है, जो कि मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, फॉर्म आने से पहले ही मैंने बता दिया था इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन होने वाला है, ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। इसलिए हमने नोट्स वगैरह जो तैयार किया है अपने एक्सपीरियंस पे तैयार किया है, और ये नोट्स बहुत हेल्प करेगा। अब दोस्तों मैं क्यों आपको बताया कि कम अंक पे दाखिला नहीं मिलेगा, देखो बिहार की बात करूं तो बिहार में दोस्तों पासिंग मार्क लगाया गया है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 120 अंक का जो प्रवेश परीक्षा होने वाला है उसमें आप 42 अंक लाओगे तब आपका एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होगे, और 42 अंक केवल आपको पासिंग मार्क डिसाइड करता है कि आप एलिजिबल हो,
एडमिशन काउंसलिंग के लिए, ये डिसाइड नहीं करता कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, ये तब डिसाइड होगा जब आपका सीट बचेगा। अब 42 अंक लाने पर ये डिसाइड नहीं हो जाता कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, है ना, जब आपका अधिक अंक होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है। अब आपको पता होगा कि इस बार करीब करीब 2 लाख आवेदन हो चुके हैं, 2 लाख आवेदन हो चुका है और अभी 4 तारीख तक आवेदन चलेगा, जिसमें करीब करीब 3 लाख आवेदन कंप्लीट होने की संभावना जताई गई है ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि इस बार लगभग लगभग अंतिम तिथि तक 3 लाख आवेदक आ जाएंगे। और 3 लाख आवेदन मतलब बिहार में बहुत बड़ी संख्या में आवेदन हो गया है, क्योंकि भैया अगर हम नंबर ऑफ सीट की बात करें तो यहाँ पर केवल 37,000 सीटें हैं टोटल प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर, जिसमें से अगर हम बात करें, आप पूछेंगे सर गवर्नमेंट कितनी है, तो 5 से 7 हज़ार मात्र गवर्नमेंट सीटें हैं। अब आप सोचो ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब 3 लाख में 7,000 बच्चे केवल एडमिशन पा सकते हैं गवर्नमेंट पे। तो आप सोचो कितना ज़्यादा कंपटीशन है, कितना हाई टफ कंपटीशन होने वाला है इस बार देखने को आपको परीक्षा में। तो परीक्षा में 42 अंक लाने पर भी, पासिंग मार्क लाने पर भी बहुत सारे लोगों को प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा, नसीब होगा। तो इसलिए हाईएस्ट मार्क लाने की कोशिश करें, 80+ अंक की टारगेट रखें तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही सकता है, इसके साथ साथ आपको प्राइवेट बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। तो भैया पासिंग मार्क मत सोचो कि पास कर लूँ बस मिल जाएगा, इस बार नहीं हो पाएगा ऐसा, क्योंकि संख्या ज़्यादा है आवेदन कि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं एडमिशन मिल जाए, तो गवर्नमेंट छोड़ो प्राइवेट में भी मुश्किल हो जाएगा 42 अंक लाने पर। तो पासिंग मार्क नहीं, हाईएस्ट अंक लाने की कोशिश करें, और वो हमारे नोट से संभव है। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई तो अब लापरवाही ना करो, बचे हुए दिनों में इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ो। दोस्तों यही बताने के लिए मैसेज आपको दे रहा हूं, तो इस नोट्स को जरूर परचेज कर लो, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपकी तैयारी का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मात्र 175 रुपए का नोट जरूर खरीद लीजिए, ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए और एडमिशन आपका हो जाए, आपका साल बर्बाद ना हो। अगर आप चूक गए तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, अगले साल आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों आपको यही बताना चाहता हूं कि इस बार दोस्तों अभी भी आवेदन चल रहा है और 2 लाख के पार आवेदन हो चुका है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है बिहार में, यूपी में भी बहुत सारे बच्चों ने बिहार वाले डाल रखे हैं। तो ये अच्छी चीज किया आपने कि अगर आप बिहार में एडमिशन नहीं मिल पाया तो आप यूपी में ले सकते हो, यूपी में तो पैसा भी कम लगता है और सीट भी ज्यादा है, वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, यूपी में इतना कंपटीशन नहीं जितना बिहार में इस बार कंपटीशन है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं, आप यूपी से देख रहे हैं या बिहार से देख रहे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग का जो परीक्षा तिथि है उसको बढ़ने की हाईली चांसेस हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है बिहार वालों की बात करूं तो 25 जून को है और आपका आवेदन ही 4 जून तक अभी चलेगा, तो संभावना है कि थोड़ा आपको समय और मिल सकता है, जुलाई के फर्स्ट वीक में परीक्षा जा सकती है। लेकिन अभी डेट बढ़ाया नहीं गया, अभी डेट 25 जून ही बताया जा रहा है, बट 5 से 7 दिन आपको निश्चित तौर पे आपको आगे देखने को मिलेगा कि डेट बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी संभावना 25 जून को ही बन रही है। तो आप लोग तैयारी डट के करिए और नोट्स को परचेज कर लो। कोई भी सहायता चाहिए, कुछ पूछना है मुझसे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये मेरा यूज़र आईडी है, सर्च कर लेना, मुझे फॉलो भी कर लेना, आगे की सारी अपडेट दूंगा। तो भैया कमर कस लो, बिल्कुल लापरवाही मत करो, किताब छोड़ दो, किताब से बिल्कुल तैयारी नहीं हो पाएगी। इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर लो, इससे तैयारी करो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में, ऐसे ही डेट आपकी बढ़ती है।